नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एसके सिंपल फूड में। तो आज मैं एक विंटर की रेसिपी लाई हूँ। ये है बाजरे की खिचड़ी और ये मेरी एक फ्रेंड है राजस्थान की, उनकी रेसिपी है। तो दोस्तों, मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरा कोई भी रेसिपी पहुँच जाए आपके पास। तो दोस्तों, ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए देखते क्या क्या चाहिए। तो मैंने इस कटोरी से मेजर करवाया, मेरी फ्रेंड ऐसे ही बनाती हैं। तो ये बाजरा है एक कटोरी, मूंग की दाल है दो कटोरी, ये छिलके वाली है, और एक कटोरी है चावल, नमक, हींग, घी, घी बहुत ज़रूरी है इसमें, और ये है जीरा और सूखी लाल मिर्च। जीरा और सूखी लाल मिर्च तड़के के लिए है। तो ये सभी चीज़ों को धो के मैंने रख दिया था और बाजरे को मैंने ओवरनाइट भिगो के रखा था। दोस्तों, ये बाजरा जो होता है ये कूटा हुआ होता है, यानी मैं दुकान से जब लाई थी तब उन्होंने बताया था कि ये कूटा हुआ है, और इसको मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था। चावल को भी मैंने 1 घंटा पहले भिगोया था और दाल को, तो मेरी दाल और चावल 1 घंटा पहले, लेकिन जो बाजरा मेरा ओवरनाइट भिगा हुआ है, तो इन सबको डाल देंगे। और गिलास से मैं कम से कम 6 गिलास पानी डालूंगी और नमक और हल्दी हल्का सा डालूंगी। अगर आप खाना चाहें मसाले वाली तो इसमें आप अदरक लहसुन पीस के डाल सकते हैं। बहुत जगह तिल भी डाला जाता है, जो मेरी फ्रेंड है उनको तिल पसंद नहीं है तो उन्होंने इसी तरीके से बनाया है, वरना इसमें तिल भी डाला जाता है। ये सर्दियों के लिए है दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि सर्दियों में वो चीज़ें खाई जाती है जो हमारे शरीर को गर्म तासीर दे। तो ये कम से कम मैं इसमें डालूंगी 6 गिलास पानी, और ये सब मेरी धुली हुई थी। लेकिन हाँ दोस्तों, याद रखिएगा बाजरे को रात भर भिगोना है, नहीं तो आप इसको कूट कर दलिया बना लीजिए अगर साबुत है तो। और एक सीटी मैं लगाऊंगी तेज आंच पे और कम करके कम से कम 6 सीटी लगाऊंगी। तो ये देखिए मेरा हो गया है, और घी इसलिए डाला था ताकि ये ऊपर की तरफ ना आए। अगर हम घी या तेल नहीं डालते हैं तो दाल जो होता है वो बाहर आने लगता है कुकर से, तो इसी लिए हम पहले घी डालते हैं। और ये घी में ही बनता है, तड़का भी घी में ही लगेगा। आप चाहे तो लहसुन का भी तड़का लगा सकते हैं, लेकिन मेरी ये फ्रेंड ने जैसे बनाया मैं वैसे ही दिखा रही हूँ आपको। तो उन्होंने इसमें हींग और जीरा डाला और लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च, और इसको सर्व उन्होंने किया था चटनी और दही के साथ। तो दोस्तों, ये बहुत हेल्दी खाना है सर्दियों के लिए, और आपको तो पता ही है कि हमें मोटा अनाज ज़रूर खाना चाहिए, ये हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। अपने भारत से तो धीरे धीरे सभी मोटे अनाज ख़त्म होते जा रहे हैं। अभी आजकल के बच्चों को तो पता भी नहीं है कि क्या होता है मड़ुआ, क्या होता है कोदो, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी हैं, बाजरा, ज्वार, मकई। तो कम से कम इन सब चीज़ों को हम अपने बच्चों से परिचय कराएं, तो ये तरीका है बनाकर उनको खिलाने के लिए। तो इन्होंने सर्व किया घी के साथ और मुझे उन्होंने दही के साथ दिया था। तो दोस्तों, आप भी बनाइए, खाइए। अगर आपका भी कोई तरीका है बाजरे की खिचड़ी बनाने का तो मुझे ज़रूर बताइएगा। एक और रेसिपी है बाजरे की खिचड़ी का, वो बहुत जल्दी बनता है, कुकर में नहीं बनता, वो कूट के बनाती हैं। तो मैं ज़रूर लाऊंगी, अगर वो कभी बनाती हैं तो मैं ज़रूर उनसे बोलूंगी शेयर करने के लिए। तो दोस्तों, आपका भी कोई तरीका है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसे भी ट्राई करूंगी। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।